मैसेज भी कर सकते हो, माइक पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब लेक्चर लेंगे उस टाइम पे पहले लेक्चर, फिर उसके बाद माइक ऑन करने का मैं टाइम देता हूँ सबको। चलो अब हम सीवी देखने जा रहे हैं कि क्या बोलते हैं, कौन कौन कैसे कैसे सीवी बनाया है। अब आपने नहीं बनाया है तो ये आपकी गलती होगी कि आप नहीं बोल पाओगे कि सर मेरा सीवी आपने चेक नहीं किया। हमने सबको 2 दिन का टाइम दिया था, यहीं से पता चलेगा कि आप कितने कंसिस्टेंस हैं, खुद को देख लीजिए, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर किसका सीवी चेक करूँगा, देखो तो सबसे पहले ऊपर की सीवी चेक करना गलत होगा क्योंकि डेफिनेटली इन्होंने अभी भेजा है, तो पहले सबसे पहले यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पर आशीष की सीवी है, आशीष से तुम्हारी सीवी है, आशीष कुमार, हाँ आशीष की सीवी है। निशान जो है ये भी इनके बैच का है, इसलिए इनको नहीं देख रहा अभी, बाद में इनके लेक्चर्स में देखेंगे। आशीष कुमार, देखो आशीष ने सीवी सही बनाया हुआ है, ठीक है। आशीष बस थोड़ी सी चेंजिंग कर लेना ब्रदर, आप हाउस नंबर हटा देना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये आप डाल सकते हो, कुमार वंशिस लेआउट बैंगलोर कर्नाटका, ठीक है। ये पूरा इसको हटा देना। कैसे होता है कि ये पूरा फिर फॉर्मेट से बाहर चला गया तुम्हारा ये, तो इसलिए क्रॉस तक का ये जो एड्रेस है ये हाउस नंबर, क्योंकि देखो आपको वो टाइम तो रहा नहीं कि आपके यहाँ पे जाएगा चिट्ठी ना कोई संदेश जाने होगा कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। तो जब वो देश चला गया है तो उस देश का कोई मतलब नहीं, मतलब आपके घर पे कोई एड्रेस पे कोई लिफाफा नहीं जाता है आज के टाइम में, इसलिए इसको हटा देना, सिर्फ ये रखो, ठीक है। इसके कई बेनिफिट्स है, आगे कभी डिस्कस करूंगा। और उसके बाद ईमेल हो गया, और क्या बोलते हैं ये मोबाइल नंबर ही सही है इनका। टू ऑप्टन सब में सेम कॉपी पे, मुझे लगता है क्या क्या, वेयर आई कैन अपग्रेड माई टेक्निकल स्किल्स इन डोमेन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट वेयर माई नॉलेज एंड। जिसने चेक अभी ये मेल नहीं किया है दोस्त, आप मेल कर लो, आपका ही बेनिफिट रहेगा कि आपका चेक हो जाएगा रिज्यूम्स। फिलहाल तो आगे हम लोग 10-15 बार ये चेक करने वाले हैं। और ओके, ठीक है। इन्होंने लिखा हुआ है अप टू 7th सेमेस्टर, ठीक है। और इन्होंने 8th लिखा हुआ, अच्छा इनका 8th सेमेस्टर चल रहा है। एक्चुअली ये गलत पॉइंट होता है, इसके जगह पे लिखना चाहिए 8.0 ब्रैकेट में तुमको लिखना चाहिए परसुइंग, ठीक है। यहाँ पर आशीष तुम कर देना परसुइंग, परसुइंग का मतलब होता है कि चल रहा है, ठीक है। तुम्हें कुछ बोलना रहेगा तो माइक ऑन कर सकते हो थंब करके, बट याद रखो कि यहाँ पर परसुइंग लिखना चाहिए तुमको। और 12th ओके ये हो गया। और या फिर बताओ ही मत, ठीक है, सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका है कि बताओ ही मत, अब तो 7th सेमेस्टर बोलोगे तो मतलब क्या उनको ऐसा लग जाएगा इनका रिजल्ट भी आया नहीं है, इसको शॉर्टलिस्ट नहीं करना चाहिए। तो एक तो परसुइंग लिखो या फिर डायरेक्ट 8.0 खत्म, ठीक है। जब तक वो सिलेक्शन होगा तब तक वो हो जाएगा फाइनल। हाँ आशीष, हाँ बोलो सर, ये यहाँ पर परसुइंग लिखना है। हाँ, यहाँ पर परसुइंग इज राइट वर्ड है, परसुइंग, परसुइंग मतलब चल रहा है, ठीक है। और अदरवाइज अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, कब आने वाला है रिजल्ट सर? ये जून में तो खत्म हो जाएगा, जुलाई तक तो आ ही जाएगा। जुलाई तक आ जाएगा, तब आप क्या कर दो 8.0 कर दो, ठीक है। तब क्योंकि हाँ, क्योंकि परसुइंग लिखने पर परसुइंग तब लिखा जाता है जैसे कि तुमने अभी भी फोर्थ ईयर में एडमिशन लिया है, तो उस टाइम पर कंपनी को अप्लाई करना पड़ता है ना फोर्थ ईयर से ही, तो तब हम लोग लिखते थे परसुइंग। और अब क्या है कि अब तुम लगभग लगभग पहुंच चुके हो पास में उसके, तो इसलिए अब रिक्वायर्ड नहीं है परसुइंग मत लिखो, अभी तुम डायरेक्ट 8.0 लिखो, ये मत लिखो, नहीं तो फिर क्या होगा, सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे अभी इसका रिजल्ट रुका हुआ है, कहीं बैकअप लगा है क्या, माइंड में गलत चीज आएंगी, ठीक है। ओके, इन्होंने 7.8, यहाँ पर एक परसेंटेज का सिंबल लगा देना, 78.8%, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर CGPA लिखे हो, तो अगर 7.8 रीड कर लिया तो थोड़ा समस्या हो जाएगा। ये तुम्हारे साथ CGPA ही है क्या हर जगह पे? ये 10 CGPA, तो ये क्या तुम्हारा, ये 12th तुम्हारा कैसे परसेंटेज ऐसा होता है क्या, मतलब मुझे, मैं यूपी बोर्ड से पढ़ाऊँ तो 78.8 ये परसेंटेज और ये 10 ये कैसे है? ये सर 10 तो CGPA में आता है और CBSE में, और 12th सर वो परसेंटेज में आता है। अच्छा अच्छा, हम लोग के टाइम पे परसेंटेज में आता था इसलिए हमको, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो और RCC उन्होंने ये रिसर्च से बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है ये, और ये बहुत अच्छे से तरीके से इन्होंने किया हुआ है। इसमें ब्रदर जो स्टैट प्रो है, इसका जो स्टैट है इसको कैपिटल कर देना, स्टेट फाउंडेशन और एक्वायर्ड ऑल कॉन्सेप्ट सो इन RCC फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ओके। और ऑटो कैड इन्होंने सीखा हुआ है स्टेट प्रो, ठीक है, यहाँ किया है तो इसकी जरूरत नहीं है, रहने देना।
एक जगह मतलब सामने वाले को भी पता होना चाहिए कि आपको स्टैट पर लिखना आता है। और इन्होंने एक प्रोजेक्ट हो गया, इन्होंने लिख लिया वेरी गुड यार, इसने काफ़ी अच्छी सी वी बनाई। देखो इसने प्रॉपर एक्सप्लेन किया, यही चाहिए होता है कि आप एक्सप्लेन करो अपने टॉपिक्स को कि आपने क्या किया हुआ है। और एक्स्ट्रा कर्कुलर इनका ठीक है, रेस्ट स्ट्रेंथ भी इनका ठीक है, और इन्होंने ये दिया हुआ है ओके। इसको थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करना, एक लाइन में रहता है तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो, मतलब एक स्पेस बार नीचे आ जाओ, बस एक स्पेस बार, जैसे कि अभी देखो ये बहुत सड़ गया है, ठीक है। और याद रखना, जब कभी भी किसी के पास इंटरव्यू देने जाना फेस टू फेस, तो वहां पर सीवी में साइन जरूर करना, और ये प्लेस और डेट जरूर भरना है अपने पेन से, साइन करना मत भूलना, ठीक है। सबके ये सबके लिए है कि सीवी हमेशा साइन ले, वाका भी है तो तुम्हारी सीवी परफेक्ट है। चलो अभी और चंद्रित भी यहाँ आया है क्या अभी, और कौन है जो 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 आया है उसी उसी का चेक करते हैं ना पहले, किस कौन चाह रहा है इसका सीवी चेक करो, नाम तो बताओ यार इसका, चेक किया जाए। स्क्रीन पूरी व्हाइट हो रही है, व्हाइट हो रही है नावेद, एक बार लेफ्ट करके फिर से आ जाओ इधर, क्योंकि स्क्रीन तो सही है, सबको दिख रही है। यो वीडियो इज नॉट शोइंग, ओनली ऑडियो इज हियरिंग। अच्छा वीडियो मैंने ऑफ किया है मसिल्ला, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो उस टाइम में केवल स्क्रीन दिखेगा, जब वीडियो ऑन करूंगा तो केवल वीडियो दिखेगा, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज। और दूसरी चीज, अगर आपको स्क्रीन आना तो लेफ्ट करके फिर आ सकते हो। मेरा क्वेश्चन, मेरा यार इधर से देखो, मैं इधर तुम लोग यहाँ बात कर रहे हो ना, तो मैं इधर भी लॉग इन हूँ मेरे मोबाइल में, जबकि मेरे मोबाइल में वो अभी किसी को प्रॉब्लम है क्या, स्क्रीन पूरी वाइट हो रही है, थोड़ा नीचे कमेंट करना, आशीष सही है क्या सब कुछ, किसी को प्रॉब्लम हो रही है क्या, स्क्रीन वाइट आ रही है सब कुछ, विजिबल सही है। तो जिसका प्रॉब्लम है ना उसको एक बार लेफ्ट करके आ जाओ, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, इधर एकदम परफेक्ट चलता है ये। और अभी भी मैंने इसको भी किया है, इसको रिचार्ज उचार्ज भी करना पड़ता है, सब करके आए हम लोग। अगर आपके मोबाइल में होगा स्क्रीन रिकॉर्डर होगा, अभी मेरे मोबाइल में स्क्रीन रिकॉर्डर था तो चल नहीं रहा था, अगर स्क्रीन रिकॉर्डर आपके मोबाइल में होगा तो क्या होगा कि ये ऐप नहीं चलेगा, ठीक है, बहुत ही सिक्योर ऐप है। चलो दूसरा रिज्यूम देखते हैं, ठीक है। और चंद्रीप आप अभी आए नहीं है, और सुन यहाँ पर ठीक है, हसन से देखते हैं, हसन ने भी भेजा हुआ है, वैसे तो हसन की सीवी मैंने देखी हुई है, आया था मेरे रूम पे भी आए थे, पर फिर भी एक बार देखना जरूरी है। तो वो ओके ठीक है, 8 GB है, मतलब मैंने तुमको जो फॉर्मेट दिया था तुमने उसको फॉलो नहीं किया, इंटर्नशिप 6 मंथ ओके। अब देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, इंटर्नशिप किया हुआ है 6 मंथ का, बट एक्सप्लेन नहीं किया है कि हमने इंटर्नशिप में सीखा क्या, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे लिखा कि स्किल्स हैव अ गुड नॉलेज ऑफ ऑटोकैड, अच्छी बात है, लेकिन हसन तुमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहिए कि हमको आता क्या क्या है। तो मैंने तुमने देखा नहीं, और तुमने एक ये तुम्हारा सीवी का पूरा फॉर्मेट गलत है यार, मैंने तुमको एक फॉर्मेट दिया हुआ है मेल पे और एक ऐप में, उस फॉर्मेट के हिसाब से एडिट करना है, ये पूरा फॉर्मेट एमएनसी के लिए नहीं, ये फॉर्मेट चलेगा, एमएनसी को सिंपल एंड सोवर लगता है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट नहीं चलेगा सर, आपको दूसरा बनाना पड़ेगा, शायद आपने बनाया नहीं, बना लीजिएगा, मैंने भेजा हुआ है ग्रुप में, अगर आपके पास नहीं होगा तो हम आपको दे देंगे। ये देखो इन इसने बनाया निधि ने, तो निधि का भी पुराना ही सीवी इन्होंने भेजा हुआ है, बट इसका सीवी सही लग रहा है, और निधि स्ट्रक्चर इंजीनियर बैंगलोर ओके ओके। ये इसको तो नीचे वाले पेज में ले आ लो निधि, क्योंकि ये कैसे होता है कि ये सेपरेट लिंक्डइन है और ये सेपरेट मेल आईडी है, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा भर जा रहा है इस तरीके से, तुमने भी एक पेज में, अच्छा ये तुम लोगों ने एडिट नहीं किया यार, मैं बोला एडिट कर लो, तुम्हारे रिज्यूम देखोगे शॉर्ट लिस्टिंग का चांसेस कितना बढ़ता है, इसने भी एडिट नहीं किया है, नहीं देखो इसने लेजर एंड टर्बो में काम किया है, बट इतनी बड़ी कंपनी में काम करने के बाद भी मतलब इंटर्न ही किया है, बट इतना पढ़ने में ही नहीं आ रहा। आप सोच सकते हो आपकी, जब मुझे ही इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो एक एचआर क्यों पढ़ेगा, क्योंकि उसको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने एक अच्छी कंपनी में काम किया हुआ है,
अगर ये और अच्छे से एक्सप्लेन करती तो और इसका बहुत ही हाई डिमांड हो जाता। तो निधि आप रिज्यूम को एक बार चेंज करो भैया, और डेफिनेटली अगर आपको ट्रस्ट है कि मेरा रिज्यूम अच्छा है तो वेल एंड गुड, बट ये सही नहीं है। ठीक है, एमएनसीज की परस्पेक्टिव से ये सही नहीं है। जब तक हम कंफर्म समझ नहीं पाएंगे कि तुम कितनी बड़ी कंपनी में काम करके आई हो, तो थोड़ा सा वो सामने वाले को लगता है कि यार पता नहीं क्या सीखा होगा क्या नहीं सीखा होगा। ठीक है, तो ट्राई टू चेंज दिस फॉर्मेट। और इन्होंने रॉय ने ये हुआ क्या? ठीक है, यस ओके, रॉय ने ये दिया हुआ, मेरा आईडी दिया हुआ है, सोसियो एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ओके ओके, वेरी गुड, नेचर ऑफ वर्क और आई एम प्लेस टोल। ओके, हमारे 2021 से भी तो दिन पढ़ा रहे हैं। ओके वेरी गुड, ये एक टेक्निकल स्किल्स को ऊपर ही ले लो, क्योंकि गंदा लगेगा अगर इस तरीके से करोगे, तो यहाँ पर ही टेक्निकल स्किल्स को उठा लो तो वो देखने में अच्छा लगेगा। और एजुकेशन हो सके तो ऊपर कर लो, अगर जगह नहीं है तो। अब ये देखो इसमें प्रॉब्लम है कि तुम्हारा ये सेवन, इसने क्या किया कि उसी रिज्यूम को एडिट करके कोशिश किया करने का, बट रिदम क्या होता है उससे थोड़ा सा फॉर्मेट गड़बड़ हो जाता है। अब ये देखो ये 7.2 इधर आ गया है, 66 थोड़ा सा लीन होना चाहिए, प्रॉपर सिंपल और शोर टाइप का, तो ये थोड़ा सा फॉर्मेट सही नहीं चल पाएगा, तो इसलिए इसको मत करो। थोड़ा मतलब सही है फॉर्मेट, ये सब सही कर दो, इसको मिडिल में करो। ठीक है, अब इसमें ये देखो ये दो पॉइंट्स गलत दिख रहे हैं, ये तीन पॉइंट्स को कॉर्नर करो। ठीक है, ये सब काम करना पड़ेगा और ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, उसी सीवी को एडिट मत करो। इसने उसी सीवी को एडिट किया हमें समझ आ रहा है, बट उससे मजा नहीं आएगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगता, सीवी आपकी अच्छी बन नहीं पाएगी। अंसारी जी ने बनाया है, अंसारी ने एक काम अच्छा किया है बट एक काम गलत भी किया है। कभी भी किसी को इस फॉर्मेट में आप सीवी नहीं भेजेंगे, देखिए सब इंडस्ट्री का नॉलेज है, बहुत इससे आपको बेनिफिट होगा। इस फॉर्मेट में कभी भी किसी भी इंडस्ट्री के पर्सन को रिज्यूम मत भेजिए। आप बोलोगे सर क्या प्रॉब्लम है, पीडीएफ में देना जरूरी है? ये तो बोला मतलब अलग टाइप का बात सुन रहा हूँ। यस, कैसे होता है कि जब आप इसमें फॉर्मेट में दोगे तो जैसे ही इसको ओपन करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि अगर आपका मेरा वर्ड सेम है, मतलब 2016 फॉर्मेट का, तब तो वैसे को वैसे रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, पूरा टेस्ट आप लोगों ने देखा होगा, एक दो लोगों का रिज्यूम इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद पूरा टेस्ट का फॉर्मेट इधर उधर हो जाता है। तो जब टेस्ट का फॉर्मेट इधर उधर हो जाएगा, देखो इधर इनका खुद, तो अभी यहाँ पर इनको कई ढेर सारा, देखो ये इनका स्टडी है, ये इनको इधर ले आना था। और सबसे बड़ी गलती कि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है कि इन्होंने सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पे काम क्या किया था, प्रोजेक्ट जो था इनका इस पे काम क्या किया था। तुम अभी हो क्या इधर अंसारी, माइक ऑन करोगे? जिसको भी माइक ऑन करना है कर सकते हो। ठीक है, रॉय क्या बोल रहे हैं? रॉय बोले सर एबल नॉट एबल टू फाइंड माइक। ओके मैं बताता हूँ, अच्छा रॉय आगे बताते हैं, इनका चेक करना पड़े। हाँ जी बोलो मुमताज। हाँ सर। हाँ देखो, ठीक है, इसमें एक प्रॉब्लम क्या हो रही है कि तुमने ना अपना जो प्रोजेक्ट, तुमने देखा था कि नहीं जो मैंने फॉर्मेट दिया था सुबह? सर मैंने देखा था, एक्चुअली मेरे पास लैपटॉप नहीं था सर, इसलिए एडिट नहीं कर पाया हूँ। जो मेरे पास पुराना था उसी को मैं सेंड कर दिया हूँ। मतलब तुमको पता है कि करना क्या है ना? यस सर। चलेगा तो चेंज करके तब मुझे दो, क्योंकि इसमें ना काफी ये सब चीजें बहुत एक्सप्लेन करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपने मेहनत किया है ना। तो अभी मैं क्या समझूं कि स्टडी ऑफ सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, मैं यही पूछ लूंगा व्हाट इज सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, इसके बाद कोई क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है। क्या चलो माइक बंद कर दो, मैं बंद कर सकता हूँ। हाँ देखो चंद्री, वहां पर देखो एक थंब करके ऑप्शन है मिडिल में, जस्ट उस पर क्लिक करोगे अपने आप आ जाओगे। देखो एक चीज याद रखो, मैं सीवी पे इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ इसका रीजन तुमको पता है, जब सीवी में आपके पॉइंट्स रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे सीवी में, तो उस टाइम पे इंसान क्या करता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। इस चीज को शायद अभी आप लोग नहीं समझ पाओगे, लेकिन आप जब सीवी सही से बनाओगे, ऐसा होता है कि मान लो कि अभी मेरे पास एक बुक है, इसके समय ले ली है, आजकल मैं बुक पढ़ रहा हूँ, आप लोग पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, मैं बहुत पढ़ता हूँ, ये प्रतिज्ञा करके बुक है, बड़ी अच्छी बुक है प्रेमचंद जी की। और तो मैं बुक अगर पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं इस बुक को लेके बैठा हूँ आपके साथ, मेरे सामने और कुछ नहीं है, तो अगर मुझे डिस्कशन करना हुआ और ये आपने बोल दिया कि सर बुक पे ही डिस्कशन करना है, तो फिर मैं ना
इसी बुक के बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन जब ये बुक मेरे सामने नहीं है, ठीक है, या फिर इस बुक का केवल और केवल कवर है मेरे पास, पता है मैं क्या डिस्कस करूंगा, मैं बोलूंगा तुमने क्या वो पढ़ी है क्या, क्या बोलते हैं थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी है क्या, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी है क्या, मतलब मैं अपने जो टॉपिक है उससे बाहर चला जाऊंगा, और अफकोर्स जो आपसे सीनियर है उसके पास पूछने को बहुत कुछ है, वो टॉपिक के बाहर गया तो फिर आपकी हालत खराब होगी। ये इंटरव्यू का ट्रिक होता है कि रिज्यूम में इतना कंटेंट डाल दो, रिज्यूम इतना हैवी कर दो कि लोगों के पास माइंड में ये रहे कि भाई इतना ही पूछ लो, बड़ी बात है। और इंटरव्यू का एक नियम होता है, क्या नियम होता है, कि जो एक अच्छा इंटरव्यूअर है वो भाग भाग के क्वेश्चंस को नहीं पूछेगा, मतलब वो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने आया और तुमने जो रिज्यूम भेजा हुआ है, जो तुमने रिज्यूम दिया हुआ है, अच्छे इंटरव्यू की निशानी ये होती है कि उसी रिज्यूम के अंदर से ही आपसे क्वेश्चन करें। इसीलिए रिज्यूम पहले सोचो कि रिज्यूम क्यों देते हैं, रिज्यूम की जगह विजिटिंग कार्ड क्यों नहीं दे देते, आप ये सोच सकते हो लोग विजिटिंग कार्ड क्यों नहीं दे सकते, तो विजिटिंग कार्ड इसलिए नहीं देते क्योंकि विजिटिंग कार्ड से आपका हम क्या पूछेंगे, ठीक है, दो तीन क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन बंद हो जाएंगे। तो रिज्यूम में अभी एक बच्चे ने बड़ा अच्छा उसने सब्जेक्ट वगैरह मेंशन किया था कि उसने टेस्ट बुक से कहीं से किया, ठीक है, तो अब क्या होगा, मेरे पास टॉपिक मिल गया, अच्छा आरसीसी टेस्ट बुक से तुमने सीखा था, व्हाट यू लर्न देयर, तो तुमने बोला कि सर मैंने सीखा था सिंग लिविंग डबल लिविंग, अब मेरे पास क्वेश्चन आ गए पूछने को। तो एक चीज को हमेशा याद रखना कि जब कभी भी कोई इंटरव्यूअर होता है, तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, इंटरव्यूअर थोड़ी भी तैयारी नहीं करता है, मतलब अगर पवन मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आए तो आपको ये चीज बता दूं कि कभी भी मैं पढ़ के नहीं आऊंगा कि पवन का इंटरव्यू लेना आज रात और पढ़ के तब जाऊंगा, या फिर रॉय का इंटरव्यू लेना है आज पूरी रात पढ़ लूंगा कल इंटरव्यू लूंगा, नहीं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम या फिर कोई भी इंटरव्यू क्या करता है, जो रिज्यूम सामने है उसी से क्वेश्चन पूछता है और उसके बाहर उसको पूछना नहीं चाहिए। अब वो इंटरव्यूअर कब जाता है बाहर, जब उसको सीवी के अंदर पर्याप्त कंटेंट नहीं मिलता है, तो सोचता पूछे क्या इससे, तो फिर पूछने लगता है तुम्हें कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, लेकिन अगर तुमने सब्जेक्ट पहले ही मेंशन कर दिया है अपने रिज्यूम के अंदर तो टॉपिक वहीं फंस जाता है। तो तुमने अपना जो ये प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड ढेर सारी क्वेरीज डाल रखे हैं तुमने, तो क्या होगा कि उसको बहुत ढेर सारे क्वेश्चन मिल गया वहां से और वो बाहर जाएगा ही नहीं। और हमारा फर्स्ट और लास्ट टारगेट होना चाहिए कि रिज्यूम के अंदर इंटरव्यूअर को रोक के रखना, बाहर गया तो फिर आप फंस जाओगे। कोई मुझे कॉल कर रहा है, आप में से तो नहीं कोई कर रहा है, चलो ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। वैसे तो मैं जब अभी मॉक इंटरव्यू लूंगा तो आपको दिखाऊंगा कि मैं रिज्यूम के अंदर से ही क्वेश्चन पूछूंगा, आप बोलोगे सर कैसे, मैं तो रिज्यूम इतना चीज थोड़ी डाल दिया हूँ, नहीं, आपने रिज्यूम ऑटो कैट डाल दिया ना, बस मैं टेंशन फ्री हो गया, अब ऑटो कैट के अंदर जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं उससे पूछूंगा। तो इसीलिए पहला क्लास कोई भी अगर आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने पहली क्लास में रिज्यूम चेक करे, क्योंकि रिज्यूम ही वही चीज है जो आपको सक्सेस दिलाती है दोस्त, ठीक है। होप इस चीज से आपको सहमत हो गया और आपने ये चीज देखा होगा, किसी ने अगर ये फेस किया तो बताओ, इंटरव्यू में गए हो और आउट ऑफ सिलेबस पूछने लगा हो, हमेशा पूछते हैं अगर रिज्यूम अच्छा नहीं है तो, ठीक है, कमेंट करके बताओ नीचे। चलो और लोगों का रिज्यूम देख लेते हैं, पवन का ही देख लेते हैं, पहले मसीला का देख लेते हैं, रिज्यूम पहले आया हुआ है, ठीक है, अरे वाह, एम टेस्ट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इन्होंने किया हुआ है सेटिंग चैलेंजिंग, ओके, सेम टू सेम जरूरी नहीं कि आप ऑब्जेक्टिव कॉपी करें, ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखना है, ऑब्जेक्टिव आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे टाइप्स के आते हैं, जो आपको बेस्ट लगे वो आप दे सकते हैं। लेकिन इनको ऑटो, देखो इसने बड़ी अच्छी चीज की हुई है, थोड़ा सा इसकी जरूरत और है कि ये कर दे, तुम इस चीज को हाईलाइट कर दो, ऑटो कैट को और रेविट आर्किटेक्चर को और स्ट्रेट्रो को हाईलाइट कर दो, ठीक है खान, जैसे तुम हाईलाइट करोगे ना मेरे को टॉपिक मिल गया आपसे बात करने का, अब हो गया मैं बात कर लूंगा आराम से आपसे। अभी कैसा हो रहा है कि हाईलाइट कम हो रहा है, जिसको तुम क्या करो हाईलाइट कर दो ये इन तीन चीजों को, और इसके बाद इन्होंने हैंडलिंग किया हुआ है, सारे काम किए हुए, अच्छी बात है, वेरी गुड, और बाकी काम इनके सही, और इन्होंने इस कंपनी में प्रोजेक्ट काम किया हुआ है एज ए साइट इंजीनियर, सिविल साइट इंजीनियर काम किया है इन्होंने इस प्रोजेक्ट में, देखो इसने कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इससे मुझे क्वेश्चन मिल गया इनसे पूछने का कि इन्होंने ब्लॉक वर्क कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो मुझे व्हाट इज ब्लॉक वर्क कंस्ट्रक्शन, अब इनके पास बताने को टॉपिक हो गया, मुझे क्वेश्चन पूछने का हो गया, तो मेरी इनसे दोस्ती अच्छी से होगी, ठीक है, और उससे हायरिंग जल्दी से होगी। ऑटोकैड स्टैनफोर्ड, ओके ठीक है, एजुकेशन टेक्निकल में इन्होंने ये किया हुआ है। अब देखो इसको थोड़ा सा और तुमको एक्सप्लेन करना चाहिए, आर ओ यहाँ पे स्मॉल रहेगा, पी के ओ कैपिटल रहेगा और स्टेट कैपिटल रहेगा। किसी ने मैसेज किया कि उसके यहाँ तूफान और बारिश हो रहा है इसलिए वो नहीं आ पाया,
है और ये कैंडिडेट्स, बाकी सब तुम्हारा परफेक्ट है। इसकी सीवी है मतलब कि लगती है एक्सपीरियंस वाली सीवी लग रही है। ठीक है, किसी का सीवी अगर नहीं चेक हुआ तो नीचे कमेंट कर देना, अरे यार इसने भी अभी चेक नहीं किया। पवन आप अपना लैपटॉप अगर आपके पास नहीं है, मुझे नहीं पता है, आप अपनी सीवी भेजिए भाई, ये गलत बात है। अगर सीवी आप नहीं टाइम पे करोगे तो आपका ही नुकसान है। ठीक है, सौरदीप यहाँ पर है, सौरदीप का क्या है, इन्होंने ओके इन्होंने दिया हुआ है ओके। अरे यार इसने तो एडिट ही नहीं किया, गलत गलत नितिन शर्मा, नितिन इस पर चला, नितिन भी एक एक नितिन बी आई में भी है। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, कहे एडिट नहीं किए हो, अपना नुकसान कर रहे हैं। देखो सब लोग सेम टू सेम क्यों रखे हो, गलत बात है यार। ठीक है, हाँ बोल, हेलो हेलो। हाँ बोल सर, ट्रेनिंग नहीं ली है उस वजह से सर कंफ्यूजन हुआ था रिज्यूम बनाने। किसके वजह से हुआ था? ट्रेनिंग नहीं ली है सर मैंने कहीं। अच्छा ट्रेनिंग नहीं लिया है रिज्यूम बनाने का? जी सर। ब्रदर नहीं नहीं सर, रिज्यूम बनाने मैंने ट्रेनिंग ही नहीं ली है सिविल से रिलेटेड। अच्छा लेकिन हम अगर तो इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन थे सर। ब्रदर ये ट्रेनिंग का ये तुम पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हो। हम जी सर, इसलिए मुझे डाउट। नहीं नहीं आप मेरे से अभी पढ़ने जा रहे हो ना, ऑटोकैड पढ़ने जा रहे हो नहीं सिविल में? ठीक है, आपके पास क्वालिटी ट्रेनिंग तो यहीं से हो गई। इसके बाद स्टेट प्रो पढ़ोगे तो मैंने आपने भी ध्यान नहीं दिया पहले लेक्चर में, आप पहला लेक्चर आपने अटेंड किया था? जी सर। मैंने बोला था कि दो स्किल्स मिनिमम आप ऐड कर देना, ऑटोकैड और स्टेट प्रो, क्योंकि जब तक सीवी शॉर्ट लिस्ट होगी तब तक दो स्किल्स आपके पास रहेंगे। जी ठीक है, तो फिर आप सर मैं आज हां ऐड करिए, क्योंकि गलत बात है, मेरा कुछ नहीं आपका बहुत नुकसान है। ठीक है, हाँ इनका सीवी सही है, ठीक है सुदीप बिल्कुल सही है तुम्हारा सीवी, और किसी करा गया तो प्लीज नीचे कमेंट कर देना। ये थोड़ा सा इसको देख लेना यार, ये क्लोज होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। और बाकी ये इनका ठीक है, क्लोज नहीं रहेगा तो ऐसा लगेगा कि और डिग्री है इनके पास, बट खत्म हो गई ना डिग्री अब तो। और इन्होंने जिससे किया हुआ है एकेडमिक प्रोजेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर ऑटो कैड में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, मैंने जो सीवी दिया उसमें होगा, अदरवाइज यहाँ लिख दो 2D एंड 3D प्लानिंग और एलिवेशन सेक्शन, ऐसा 2D, 3D प्लानिंग एलिवेशन सेक्शन, इस चीज का नॉलेज स्टेट ऑटोकैड में तुम्हें ये पता होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ऑटोकैड में क्या आता है क्वेश्चन पूछने को नहीं मिल रहा आपको। स्टेट प्रो में क्या आता है, आरसीसी एंड स्टील स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन, तो मेरे पास टॉपिक हो गया कि आरसीसी में बात कर सकते हैं, इस बच्चे को आरसीसी का नॉलेज है। ठीक है, बाकी इन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, थोड़ा सा प्रोजेक्ट को और एक्सप्लेन करो, ये प्रोजेक्ट तुम्हारा एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ स्टोरी बिल्डिंग्स, थ्री स्टोरी बिल्डिंग्स यूजिंग स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर, अच्छी बात है। जिसमें इन्होंने क्या किया, तुमने उसमें सेस्मिक एनालिसिस किया होगा, ठीक है, उसमें चेक SFD BMD किया होगा, चेक डिफ्लेक्शन किया होगा, मतलब हमें टॉपिक दे रहे हो तुम पूछने के लिए। ठीक है, सेम पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन का टॉप प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है और आपने एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया, दिस इज नॉट फेयर। कोशिश करो कि हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन जरूर होना चाहिए हर प्रोजेक्ट का, जाने तो दो की जगह तीन पेज में सीवी जाने दो, उसका तुम डिसीजन मत लो, बट ये याद रखो कि कंटेंट पूरा होना चाहिए। और फिर से वही बोलूंगा, सिर्फ निमता कोलकाता इतना डालिए और आगे पिन कोड डाल दीजिए, दैट मीन को पता चल जाता है किस एरिया में है ये, आपको फर्स्ट लैंड भी चाहे तो नहीं क्या है ये हाउस नंबर मत डाला करो यार, हाउस नंबर नहीं डालना चाहिए अपने रिज्यूम में, ये लाइन के बाहर चला जाता है, दैट्स नॉट लुक गुड। ठीक है, ये हटा, बाकी तुम्हारी सीवी काफी हद तक सही है सुदीप, और किसी की चेक नहीं हुई तो बता देना यार। ठीक है, सबकी चेक हो गई सीवी? जिसने बनाया उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टास्क को कंप्लीट किया, ये टास्क है और ये टास्क बहुत छोटा सा है, बट इस टास्क से आपका क्या पता चल रहा है कि आपने उस टाइम पे उस काम को किया कि नहीं। अभी माइक का ऑप्शन मिला कि नहीं रॉय तुम्हें?